पिंड ब्रह्मांड के प्रकाश, सर्वकला संपूर्ण, गरीब निवाज, बंदी छोर, परम इष्ट देव, जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज मंच पर विराजमान, रविदास याकूब का हीरा प्रकांड विद्वान श्री 108 संत सुरेंद्र दास बाबा जी महाराज जी महाराज बिहार तो अरिंगदास जी महामान योग उपस्थित गण बुद्धिजीवी परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी आप सबको यथोचित जय गुरुदेव। आज रविदास या धर्म प्रचार स्थान कहानपुर की पावन पवित्र स्थली पर हम सब लोग एकत्र हुए हैं संक्रांत के इस पावन पवित्र दिहाड़े पर। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी का ज्योति ज्योत समाये समागम मनाया जा रहा है। साल विक्रमी 1584 साढ़ की संक्रांत को जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी ज्योति ज्योत समाये, साथ ही ब्रह्मलीन श्री 108 संत सतगुरु स्वामी सर्वदास महाराज जी की बरसी समागम मनाया जा रहा है जो 11 जून 1972 को ज्योति ज्योत समाये। श्री 108 संत रामानंद जी महाराज जो रविदास याकूब के महान और अमर शहीद हैं उनका शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। गुरु प्यारी साध संगत जी मंच पर विराजमान बाबा जी महाराज जो लगभग अभी 3 महीने का धार्मिक भ्रमण करके विदेश की धरती से अभी भारत भूमि पर पहुंचे हैं, जो जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी सदगुरु स्वामी सर्वणदास महाराज जी और जितने भी अपने महापुरुष हुए हैं उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, बोलकर या लिखकर या किताबों के रूप में देश विदेश में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप हमें भी कई जगह जाने का अवसर मिलता है। आज भारत और भारत की सीमाओं के बाहर रविदास या धर्म का प्रचार बड़ी ही तेजी के साथ बढ़ रहा है। आप लोग सोशल मीडिया पर भी देखते हैं कि बड़े सौभाग्य की बात है कि पिछले साल जून में 2018 में उज्जैन के अंदर रविदास या धर्म पद्धति के अनुसार 50 लड़कियों की शादी कराई गई। लोगों ने बड़ा ही सुख माना और इस साल 5 जून को जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश में रविदास या धर्म पद्धति के अनुसार अमृतवाणी की छत्र छाया में 74 जोड़ों की शादी कराई गई और शायद यह पहला अवसर है कि रविदास या धर्म के मंच पर इतनी भारी संख्या में पहली बार 74 जोड़ों की शादी हुई। इससे पहले भी महाराष्ट्र में नागपुर के अंदर चिटनी पार्क स्टेडियम में 50 लड़कियों की शादी रविदास या धर्म पद्धति से हुई। आज इतनी तेजी के साथ में लोग
गुरुदास महाराज जी की विचारधारा को अंगीकार कर रहे हैं, अमृतवाणी को अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। पंजाब के बाहर जो लोग पंजाबी कल्चर को नहीं जानते, लेकिन वो इतना जानते हैं कि हमारा रविदासिया धर्म है, अमृतवाणी हमारा पावन ग्रंथ है, हमारा धार्मिक कौम का पहचान हर का निशान है, वो इस चीज को जानते हैं और उसको मानते हैं। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि पूरे विश्व में रविदास या कौम के अंदर करोड़ों करोड़ों की तादाद में लोग जागे हैं, जाग रहे हैं। इसके साथ ही आपको ज्ञात है कि गुरु रविदास महाराज जी ने अपने जीवन काल में बहुत चमत्कार भी किए हैं जो समय के अनुसार जरूरी थे, और तर्क वितर्क बुद्धि के अनुसार राजाओं महाराजाओं को समझाने का प्रयास भी किया है। 52 राजे रानी गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में आए और अपना जीवन कल्याण करके गए, कुछ संतों की उपाधि को पा गए। अभी ताजा घटना है, तुगलकाबाद दिल्ली, जहां जोहड़ चमारा के नाम से अभी भी तालाब है, वो 700 कनाल जगह गुरु रविदास महाराज जी को सिकंदर लोदी ने दी थी। उस समय सिकंदर लोदी ने गुरु रविदास महाराज जी को मुसलमान धर्म अपनाने के लिए जोर दिया था। गुरु रविदास महाराज जी ने साफ मना कर दिया कि मैं मुसलमान धर्म धारण नहीं करूंगा। तो सिकंदर लोदी ने गुरु रविदास महाराज जी को जेल में डाल दिया और तुगलकाबाद जो मंदिर अभी मौजूद है, गुरु रविदास महाराज जी प्रतिदिन वहां सत्संग करने आते थे। दिल्ली शहर में खबर फैल गई कि गुरु रविदास महाराज जी तो वहां सत्संग कर रहे हैं। सिकंदर लोदी को खुद भेष बदल करके वहां आना पड़ा कि जिनको मैंने जेल में बंद किया है वो कैसे आ सकते हैं। सिकंदर लोदी भेष बदल कर वहां आए और देखकर बड़े हैरान होते हैं कि गुरु रविदास महाराज जी तो यहां बैठे सत्संग कर रहे हैं। तो 700 कनाल जगह गुरु रविदास महाराज जी के नाम वहां लिखी गई, जो आज भी सरकार के खाते में बोल रही है। वो 700 कनाल जगह में इधर भी दीवार कर ली, जंगलात वालों ने इधर भी दीवार कर ली, और बीच में सिर्फ 12 बीघे जमीन बची है। उसको भी मानव विरोधी मानसिकता रखने वाले लोग हत्याने का प्रयास कर रहे हैं। बाबा जी ने बाहर रहते हुए हमें चेताया कि आप दिल्ली जाओ और वहां कि जो घटना है उस पर नजर रखो। तो यहां से हरविंदर दास जी महाराज बैठे हुए हैं, कृष्णा बीबी जी भोपराय कला से, हरियाणा से कई संत यहां से गए और वहां का जायजा लिया। और वहां की मानंदी भी ऐसी सुनने में आई है कि आज भी छोटे छोटे बच्चों के कपड़े पेड़ पर टंगे मिलते हैं। हमने पूछा ये क्या है कि जिनके वंश नहीं चलते आज वो अपने बच्चों के कपड़े वहां, जो जन्म के बच्चों के कपड़े उनको वहां टांग देते हैं और उनको नवे कपड़े पहना लाते हैं, उनके वंश चल जाते हैं। गुरु रविदास महाराज जी के समय में उस समय कोई माता वहां गई थी जिसने कहा था कि गुरु जी मेरा छठा बच्चा है और मेरे बच्चे बचते नहीं है। गुरुजी ने कहा कि
कि आप ये कपड़े उतार करके यहाँ टांग दो और नवे कपड़े लेकर के पहना दो। आज भी वो मान्यता वहाँ मानी जाती है। और जो जोहड़ चमारा है उसमें कोड़ के लोग बीमार जो हैं जाते हैं, पानी होता है उसमें तो नहा लेते हैं तो उनका कोड़ दूर हो जाता है मिट्टी लेकर के, हाथों तो पैरों पे जहां भी कोड़ होता है उसको मलते तो आज भी ठीक होते हैं। वो चबूतरा हमने देखा हरविंदर दास महाराज जी बैठे के कोने पे, किसी अफसर ने आकर के लात मारी, तोड़ने के लिए आए, 3 JCB थी, 150 पुलिस कर्मी थे फोर्स वाले और 50 सरकारी कर्मचारी थे। तोड़ने के लिए जब आए 19 तारीख को उनको वापिस जाना पड़ा और जिसने ईंट में वहां लात मारी उसकी टांग भी टूट गई बेचारे की। और वहां के जो प्रबंधक है उन्होंने ये भी बताया कि महाराज जी जिसने फैसला तोड़ने का सुनाया है उस जज का नाम है बाल्मीक मेहता। वो फैसला सुनाने के बाद संसार से जुदा हो गया। तो चमत्कार तो गुरुदास महाराज जी के आज भी हैं। हम भूले हुए 52 राजे रानी गुरुदास महाराज जी के सानिध्य में आए, मीराबाई आई तो अपने महल के सामने चित्तौड़गढ़ के किले में गुरुदास महाराज जी की छतरी बनी। काशी के अंदर राजा नागरमल ने जगह दी जहां BHU बना हुआ है। राजा चंद्रहास ने दी मध्य प्रदेश में, राजा बैन सिंह ने दी खरालगढ़ में। तो जितने भी 52 राजे रानी हुए हैं गुरु रविदास महाराज जी को भेंट स्वरूप सबने कुछ दिया। जरूरत है जो आज उनके वारिस हैं, जो उनके परिवार हैं, जो रविदास या कुल है कि वहां जाएं, जहां जहां वो जगह है उसके दर्शन करें। अगर कोई उनको हानि पहुंचाता है तो उसके विरोध में आवाज भी उठाएं। आज तक हम अज्ञानतावश भटकते आए, अभी किसी से पूछा था कि बीबी ठीक है कि ठीक नहीं रहती, उधर भी जा आई उधर भी जा आई, बाबे के भी जा जाती है, कहीं कहीं हाथ वालों के भी जा जाते हैं, पर तो भी कल्याण नहीं होता। कल्याण तो यहां होएगा। गुरुदास महाराज जी के सानिध्य में आओगे तो कल्याण होएगा। अभी बताया गया वाणी में संत कभी मरते नहीं है, वो कच्चे शरीर में आते हैं, पंच भौतिक शरीर में आते हैं, धुर की वाणी सुनाने के लिए, मानवता का कल्याण करने के लिए। आवे न जावे मरे नहीं जरमे, सोई संत समस्वरूप विचारम, ना वो आते हैं ना वो जाते हैं, यही सत्य स्वरूप है, इसी को विचारने की आवश्यकता है। वो सांच की भूमिका में मौजूद रहते हैं, वो शील के प्रकाश के रूप में मौजूद रहते हैं, वो दया के रूप में मौजूद रहते हैं, वो धैर्य के रूप में मौजूद रहते हैं। संत मौजूद हैं, संत कहीं नहीं जाते, वो कभी मरते नहीं है। हाँ, कच्चा शरीर छोड़ देते हैं और पक्के शरीर में रहते हैं, जो इन आंखों से देखने में नहीं आते वो मन की आंखों से जाने जाते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जो आम इंसान है वो मरता है वो जीता है, जिसके बारे में आज तक हम लोग सुनते आए हैं कि खाली हाथ आया और हाथ पसारे गया। गुरु रविदास महाराज जी इसके उल्ट समझाने का प्रयास करते हैं।
कोई खाली हाथ नहीं आता कभी भी। संसार में जो भी प्राणी आया है खाली हाथ कभी नहीं आया, और जब जाएगा खाली हाथ कभी नहीं जाएगा, कुछ लेकर के जाएगा। अगर कोई खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही चले जाएगा तो सेवा सिमरन भजन कीर्तन का कोई महत्व नहीं रह जाता, भक्ति का कोई महत्व नहीं रह जाता, चर्च गुरुद्वारे मंदिर का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो जब प्राणी संसार में आया तो क्या लेकर के आया, वो कौन सी पूंजी है? वो पूंजी है सांसों रूपी पूंजी। जब संसार में आता है तो सांसों रूपी पूंजी लेकर के आता है, और एक एक सांस का भुगतान यही करना पड़ता है, एक भी सांस कोई साथ लेकर के नहीं जाता, ना कोई गया ना जाएगा, जब तक उसको कोई मरा हुआ घोषित भी नहीं कर सकता, जब तक एक सांस भी बाकी है। और मरने वाले को जाने वाले को कोई दुख भी नहीं है, कोई गमी भी नहीं है। अगर दुख और गमी और रोना पीटना है तो उसके बाद वालों का है, घर परिवार वालों का है, रिश्तेदारों का है। जाने वाला तो अपने सांसों रूपी पूंजी समाप्त करके चला गया, जितनी पूंजी उसकी थी वो समाप्त हो गई। हमने यहां से चंडीगढ़ जाना है, चंडीगढ़ की टिकट लेंगे, कोई धक्के मार के नहीं उतारेगा, हमें पता स्टेशन आ गया, उतरना पड़ेगा, अपने आप उतरना पड़ता है। अब बाबा जी इंग्लैंड गए, किसने जबरदस्ती ने कहा उतर जा आज में से? नहीं, मालूम है टिकट पूरा हो गया, उतरना पड़ेगा। तो जीवन का रहस्य भी यही है, जब सांसों रूपी पूंजी पूरी हो जाती है तो जाना पड़ता है, और जब जाते हैं तो क्या लेकर के जाते हैं संसार से? अच्छे या बुरे कर्मों का जो संस्कार है वो साथ में जाता है। अच्छे बुरे कर्मों के संस्कार के आधार पे ही जीव आगे देह धारण करता है, यही भक्ति का महत्व है। जिसने नाम सिमरण किया है, गुरुओं संतों महापुरुषों के सानिध्य में रह करके दान पुण्य सेवा भक्ति की है, उसका संस्कार जो बनता है उनके साथ में जाता है, वो भी आंखों से नहीं दिखता, सांस भी आंखों से नहीं दिखते, वो परमात्मा भी आंखों से नहीं दिखता, लेकिन वो परमात्मा है, मौजूद है, हाजिर है, हजूर है, यही है। लेकिन हम अज्ञानतावश उसको बाहर खोजते हैं, कोई तीर्थों में देखता है, कोई व्रतों में देखता है, कोई नदी में ढूंढता है, कोई पेड़ में ढूंढता है, जबकि वो परमात्मा मौजूद है, हर घट में वास करता है। उस पे यकीन करने की जरूरत है, तुझे भरोसा ना पड़े इस कारण कंगाल, तुझे अभी तक यकीन नहीं हुआ इस कारण तू कंगाल है, दर दर की ठोकरें खाते फिरता है, किसी को माथा दिखाता है, किसी को हाथ दिखाता है, किसी को पूछा लेता फिरता है, लेकिन वो परमात्मा तेरे अंदर है, कैसे पता चलेगा? अगर किसी को भूख लगी है, किसी पड़ोसी ने नहीं बताया कि तेरे को भूख लगी है, अंदर से आवाज आई है भूख लगी है, भोजन चाहिए। प्यास लगी है, किसी ने रिश्तेदार ने नहीं आकर के बताया पानी पी ले तेरे को प्यास लगी है, क्योंकि प्यास बताने वाला अंदर बैठा हुआ है। दुख हो रहा अंदर, बाहर वाला नहीं बताएगा। सुख अनुभव हो रहा, बाहर वाला नहीं बताएगा, क्योंकि सुख और दुख अनुभव करने वाला अंदर बैठा हुआ है। इससे ज्यादा और क्या प्रमाण चाहिए? खुशी गमी को महसूस करने वाला अंदर बैठा है। यह पंच भौतिक शरीर है, हम कानों से सुनते हैं, जो कानों से सुनाई पड़ता है वो परमात्मा नहीं है, लेकिन जो कानों से अंदर बैठा सुन रहा है वो परमात्मा है। आंखों से जो दिखता है वो परमात्मा नहीं है, ये आंखें परमात्मा की बनाई हुई है, लेकिन अंदर बैठा जो इन आंखों से देख रहा है वो परमात्मा है।
नाक से गंध सुगंध जो आ रही है वो परमात्मा नहीं है, लेकिन गंध सुगंध को जो अनुभव कर रहा है अंदर बैठ करके वो परमात्मा है। जीव है, जिभ्या से खट्टा मीठा चरपटा नमकीन जो महसूस कर रहा है वो परमात्मा है। और कितने प्रमाण चाहिए, फिर भी हम बाहर क्यों भटकते हैं? वो परमात्मा सब कुछ जानने वाला हमारे अंदर बैठा है। आवश्यकता है कि हम साधु संतों के सानिध्य में जाकर के अपने जीवन का कल्याण करें।